नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीधे दिल्ली से गया पहुंच गए और गया एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार पहुंचे तो वहां समर्थकों ने उनका स्वागत किया। गया एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोध गया के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए, जहां उन्होंने परम पावन दलाई लामा से मुलाकात किया है, आशीर्वाद लिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। आपको मालूम है नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर थे, दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने 19 दिसंबर को गए थे। आज सीएम नीतीश दिल्ली से सीधे गया पहुंचे। तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया के दौरे पर थे। सीएम नीतीश कुमार का यह गया दौरा, जहां नीतीश कुमार ने मुलाकात किया है दलाई लामा से, परम पावन दलाई लामा से मुलाकात कर सीएम नीतीश कुमार ने आशीर्वाद ली है। तिब्बती मॉनेस्ट्री में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। इस दौरान देश में अमन चैन शांति के लिए सीएम नीतीश ने आशीर्वाद लिया है। नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने गए थे और दिल्ली से डायरेक्ट सीएम नीतीश गया एयरपोर्ट पर उतरे और वहां कड़ी सुरक्षा के बीच बोध गया के लिए रवाना हो गए, जहां तिब्बती मॉनेस्ट्री में सीएम नीतीश कुमार ने धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की है। इसके बाद विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में सीएम नीतीश कुमार ने पूजा अर्चना की है। इस बीच गया के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी आशीष भारती भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के बोध गया आगमन को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। सीएम नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव को भी आना था, लेकिन किसी कारण तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ दिल्ली से बोध गया नहीं पहुंचे। लेकिन नीतीश कुमार ने आज बोध गया पहुंचकर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात किया है, देश में अमन चैन और शांति के लिए आशीर्वाद भी लिया है। इस दौरान बिहार सरकार के कृषि मंत्री मौजूद रहे। क्या कह रहे हैं कुमार सर्वजीत, बिहार के कृषि मंत्री, जरा वो सुनिए। हाँ, कि आप जो है हमारे भाई समान हो, देश और दुनिया में सुख शांति बना रहे, यही आपस में दोनों के विचार विमर्श हुए और दलाई लामा जी ने मुख्यमंत्री जी को लंबी आयु की कामना किया और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि दलाई लामा जो धर्मगुरु दलाई लामा है, इनकी भी जो है लंबी आयु रहे, आशीर्वाद भी प्राप्त किया, आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। और आप समझ ही सकते हैं कि अब धर्मगुरु दलाई लामा से कोई व्यक्ति मिले तो बिना आशीर्वाद दिए वो तो रहते नहीं है, तो बिहार के मुखिया ही थे। तो दलाई लामा जी ने आशीर्वाद दिया है कि आपके रहते देश में और बिहार में किसी प्रकार का फसाद नहीं हो, यहाँ के लोग सुख और शांति से रहें, यही माननीय धर्मगुरु दलाई लामा जी ने संदेश दिया। तो बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत को आप सुन रहे थे। बोध गया में सीएम नीतीश कुमार ने आज परम पावन दलाई लामा से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया है। सीएम नीतीश ने महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। नीतीश कुमार बोध गया से सीधे पटना के लिए रवाना हो गए। बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत भी इस दौरान नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। गया से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। धन्यवाद।